कभी लड़ाई से, कभी कैद से, कभी सियासत से, कभी हुकूमत से, कभी प्रजा से, कभी दुश्मन से, कभी लोगों से, कभी अपने आप से भाग जाना पड़ता है। यू हैव टू मेक द ग्रेट एस्केप। हम कहाँ जा रहे हो? मुझे लाशा जाने। लामा लग क्या सोचियो? लामा लग क्या सोचियो? चीन ऐसा क्यों कहता है कि तिब्बत उसका हिस्सा है? वेलकम टू द मदरलैंड, दलाई लामा। तश्तीय। रिलीजन इज पॉइजन। जनरल चिनवू और जनरल टैन चाहते हैं कि आप हमारे थिएटर परफॉर्मेंस देखें, चाइनीज कैंप आए। जब कल वो आएंगे, उनके साथ गार्ड नहीं आएंगे। गुंदुन जब भी बाहर निकलते हैं, उनके साथ कम से कम 20 गार्ड्स होते हैं। कल 3 गार्ड, वो भी बिना हथियार के। चीनियों ने आपको किडनैप करने का प्लान बना रखा है। गुंदुन को हम अकेले जाने नहीं देंगे। जितने गार्ड्स हमेशा उनके साथ जाते हैं, आज भी उतने ही जाएंगे। गुंदुन उन पे कितना ही भरोसा कर ले, पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि चीनी भरोसे के लायक ही नहीं। क्या इशिनोबु कुछ चिलोते मशो? बाहर हजारों लोग जमा है। कल रात से ल्हासा के सारे लोग यहाँ जमा हो रहे हैं। वो लोग आज आपको चीनी कैंप जाने नहीं देंगे। फला, मैं हिंसा होने नहीं दूंगा। बहुत लोग मारे जाएंगे और ज्यादातर हमारे। गुंदुन, बाहर एक आदमी को मार दिया गया है। वो चाइनीज की गाड़ी में आए थे और शायद चाइनीज कैंप से। लोगों ने पहले उसके गाड़ी पर पत्थर मारे, फिर उस पर। गुंदुन फला, जनरल टैन तक आप ये मैसेज पहुंचाइए कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। उनसे ये भी कहिए कि उस तरफ से यहां कोई ना आए। आप बाहर जमे हुए लोगों से कहिए कि अगर वो नहीं चाहते मैं जाऊं, तो मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा उनसे वादा है। आप लोगों से कहिए कि वो अपने अपने घर चले जाएं। विमान
मेरे ना जाने की खबर सुनकर भी बाहर जमा हुए लोग नहीं गए। अब उन्हें डर था कि चीनी मुझे जबरदस्ती लेकर चले जाएंगे। वो लोग ना किसी को अंदर आने दे रहे थे और ना ही नोबुलिंका से किसी को बाहर जाने दे रहे थे। अब उत्पीति का बुरा वाद आने वाला है। तंग चाहते हैं कि आप एक स्टेटमेंट इशू करें कि आपको जबरदस्ती तिब्बती क्रांतिकारियों ने नोबुलिंका पैलेस में बंद करके रखे हैं। वो ये भी चाहते हैं कि आप कहें कि अपनी सुरक्षा के लिए आप चीनी कैंप पर शिफ्ट हो जाना चाहते हैं। अब बाहर जमे लोगों के लीडर से कहो कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं। सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और चाहते थे मैं ल्हासा छोड़कर चला जाऊं। मेरा ल्हासा से जाने का कोई इरादा नहीं था, पर चीन को यह डर जरूर था, ऐसा उनके धमकी भरे संदेशों से लग रहा था। जनरल चाहते हैं कि आप, आपका परिवार और कुछ खास गिने चुने लोग पैलेस के एक जगह में रहें और उसका पता उन्हें दे दें तो वो आपको नुकसान नहीं होने देंगे। ये शायद सीधा वहीं फायर करेगी। दिन बीतते गए, बाहर जमा हुए लोग बैठे रहे। वो बैठे ही रहे। अब लोगों ने मेरे तिब्बत से चले जाने के लिए प्रार्थना शुरू कर दी। मैं इस बात से नहीं डरता कि शायद ये जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी और मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए तो मैं कब से तैयार हूं, यही तो हमारा धर्म है। पर मंत्री और हमारे लोग ये ऐसे नहीं सोचते। बार बार मुझे यहां से जाने के लिए कहते हैं, पर मैं नहीं जाना चाहता। हम लोग, मैं इनके साथ रहना चाहता हूं। ये उनकी गलती नहीं है कुंदन, उनके लिए, हम सब के लिए दलाई लामा ही तिब्बत है। अगर दलाई लामा चाइनीज के हाथों मारा गया तो हमारा तिब्बत खत्म हो जाएगा। आपको जाना ही होगा।
अपने देश के लिए आपको जिंदा रहना होगा कुंदन, हमारे देश के लिए आपको जाना ही होगा। मेरे ना जाने की जिद की वजह से कशक ने नेचुन को बुलाया, अब शायद यही एक रास्ता था। कुंदन, आपको आज रात ही जाना होगा और इस रास्ते से। खुद बात करना चाहता था पर कशक को डर था उन लोगों के बीच चीनी जासूस भी हो सकते हैं। जो सतही है उसे समझना आसान है, गहराई को समझने के लिए साहस चाहिए, धैर्य चाहिए। हेलो, मुझे लगता है मैं वापस ज़रूर आऊँगा। मुझे भी कुंदन, आप ज़रूर आओगे। Thank you.
तिब्बत को बचाने के लिए दलाई लामा को जाना होगा, ऐसा सबका कहना था। पर उन लोगों का क्या जो पीछे छूटने वाले थे? अभी जा, जाना। अभी जा बोला, जाओ बिस, जाओ बिस। हम चूची कंटू से हैं, आपके जाने का रास्ता तय है, आपके सफर के अंत तक हम आपके साथ रहेंगे। माला, बंदूक। चाइनीज पेट्रोल के थोड़ा आगे हमने घोड़ों के इंतजाम किए हैं, आपको थोड़ा आगे तक पैदल जाना होगा। Thank you.
अभी तक ये तय नहीं हुआ था कि हम जा कहाँ रहे हैं। मैं चाहता था कि दक्षिण तिब्बत में रहकर चीनियों से फिर से बात करने की कोशिश करूं। में ना जाने क्या हो रहा था, ये सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा था। इसलिए केशव केशव है तुझना कहीं कहीं हमारे लोगों को कुछ भी नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि चीनी उनसे उनकी ये सादी जिंदगी छीनना चाहते हैं। खाना ठीक है? आप सब क्या लासा से आए हैं? वहाँ कुंदन ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। नाम से लेंगे लासा में चाइना ने बमबारी कर दी है, हालत बहुत खराब है। किसने कहा? मैं अभी लासा से यार हूँ और आपके जाने के 2-3 बाद पूरा नॉर्वलिंग का तबाह हो गया।
भला, अब हमें भारत जाना चाहिए। चाइनीज के साथ बात करने से कोई फायदा नहीं। पर भारत हमें शरण देंगे? मुझे नहीं पता, मैं बस अब उन पे भरोसा कर सकता हूँ। मैं एक चिट्ठी बिठान भी लिखूंगा, प्रार्थना और इंतजार के अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते। Racial segregation on the island of Cuba. The situation in Lhasa remains tense following shelling of the Novolinka Palace. Speculations continue on the Dalai Lama's whereabouts. The Chinese government have yet to release a statement on his possible escape. The Constitutional Assembly of Mauritania approved the democratic constitution to come into effect next year. फिर रेडियो पर बस इतनी खबर आई कि लासा टेंस था और दलाई लामा गायब। बस इतना ही, लोगों का क्या हाल था?
छुगेल, अगर हम भारत पहुंच गए तो तुम क्या करोगे? पढ़ूंगा, जल्दी से बड़ा होऊंगा, फिर चाइनीज लूंगा और सबको मार डालूंगा। सबको मार डालोगे? क्या मारने से तिब्बत आजाद हो जाएगा? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लड़ूंगा जरूर। लड़ोगे जरूर। तुम्हें पता है जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ के एक बहुत महान आदमी ने कहा है कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। वो महान आदमी कौन थे? तुम्हें पता चल जाएगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे। हमें ये भी खबर मिली कि चाइना ने टिबेट की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया और ल्हासा में अपनी गवर्नमेंट जमा दी। इसके जवाब में हमने भी एक डिक्लेरेशन कर दी। हम ये ऐलान करते हैं कि चीन की 17 पॉइंट एग्रीमेंट को आज से रिपीटेड करते हैं। हम ये भी ऐलान करते हैं कि जहां भी कुंदन रहेंगे वहीं से हमारा टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलेगी। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद बोलता हूँ जो भी आपने तिब्बत के लिए और मेरे लिए किया है, मैं उसको कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ कि कई बार हमारे ऑफिस में आपको रिएक्शनरीज का जैसा उन चीनियों ने कहा हमने वैसा ही किया, इस उम्मीद पर कि वो अपना वादा निभाएंगे। पर बदले में उन्होंने हमारे लोगों को मार डाला, 86,000 लोगों को मार डाला। मैं हिंसा के खिलाफ था और रहूंगा, लेकिन अगर चीनी आप पर हमला करे मैं आपको अपनी सुरक्षा करने से नहीं रोकूंगा। नासू जा रहा हूँ। सांग माला तुझे से ना। मैं तो चूचे कंडो चुमा जा रहा हूँ मुझे चूचे जा लोहरी। मैं तो दिन दूधू को
मेरे लिए ज्यादा आसान है। बारह दिनों में मैंने हर रोज ये सोचा, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? क्या मैं इसे रोक सकता था? तिब्बत का क्या होगा, तिब्बती संस्कृति का क्या होगा, तिब्बती लोगों के हक का क्या होगा? जो लोग पीछे छूट गए उनका क्या होगा? ऐसा खबर है इंडिया हमें असालम देने को तैयार हो गए हैं। कुंदन कुंदन आशा ना कुंदन उठे कुंदन इंडिया हमें असालम देने को तैयार हो गए हम तो फिर उठो शाना मिस्टर दलाई लामा, वेलकम टू इंडिया। क्यों? मैं देयर ऑलवेज बी पीस में। Thank you.
after the Chinese authority found I am no longer there, then they report to Chairman Mao Zedong. Dalai Lama is about the situation. Then Chairman Mao Zedong asked, where Dalai Lama? They answered, escaped. Then Mao Zedong commented, now we defeated. So, one way, very, very sad. But one way, you see, if that situation not developed, I think we all still remain inside Tibet and our mind still closed. After we become refugee, come to India, India free country, open society, all information, you see, we get. And also, you see, so therefore, the large number of Tibetan younger people, and they gradually, you see, their children now getting modern education. I think it looks very negative, very sad, but it, some kind of side effect, very positive, very useful. Now important is, including myself, we must utilize this opportunity with sincere motivation, truthful, honest, compassionate way. I always thinking, see, we need a sense of oneness of 7 billion human beings. I think from our knowledge, can make little contribution for happier humanity. Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic.